मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार बजट में स्वच्छ भारत के तहत गांवों के लिए बायोगैस के माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए पहल शुरू की गई और उसे नाम दिया गया गोबर धन, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स। इस गोबर धन योजना का उद्देश्य है गांवों को स्वच्छ बनाना और पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे धन और ऊर्जा जनरेट करना। सुना आपने, अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोबर से धन बनाने की बात पर जोर दिया है। पर सवाल ये कि आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर कैसे पशु अपशिष्ट यानी मवेशियों के मल और मूत्र का इस्तेमाल आमदनी बढ़ाने के लिए हो सकता है, जबकि हमारे गांवों में गोबर से या तो लोग उपले बनाकर उन्हें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर इसका इस्तेमाल फसलों में खाद के तौर पर किया जाता रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इससे वायु प्रदूषित होती है, बल्कि गंदगी में पैदा होने वाले जहरीले कीड़े और जीवाणु खतरनाक बीमारियों को जन्म भी देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना के क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं जिसमें मवेशियों के अपशिष्ट मल मूत्र, सूखे पत्ते, भूसा, सब्जियों के छिलके इत्यादि से भी पैसा कमाया जा सकता है। जी हाँ, इसलिए केंद्र सरकार ने इस योजना को गोबर धन योजना का नाम दिया है। अब सवाल ये कि आखिर ये योजना कैसे काम करेगी और कैसे इससे किसानों को लाभ मिल सकता है, तो चलिए ये भी आपको समझाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी 70% आबादी कृषि पर आधारित है। गांव में रहने वाले किसान मवेशी भी पालते हैं और उनसे अर्जित होने वाले दूध से धन कमाते हैं। ये सच है कि मवेशियों से हमें दूध के साथ साथ मल मूत्र के तौर पर अपशिष्ट भी मिलता है, जिसे कल तक हम व्यर्थ समझते थे, पर आज उसी अपशिष्ट से लाभ कमाने के लिए केंद्र सरकार ने गोबर धन योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी है, यानी गोबर जिसे बेकार समझा जाता रहा है उससे पैसा कमाना और ऊर्जा बनाना। जी हाँ, सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने की एक ऐसी पहल की है जिससे पशुपालन करने वाले किसानों की आय दोगुनी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। गोबर धन योजना का उद्देश्य गोबर से ऊर्जा निर्माण, किसानों को लाभ, स्वच्छ और विकसित गांव, आत्मनिर्भर भारत। अब हम आपको गोबरधन योजना की विशेषताएं और उससे मिलने वाले लाभ को सरल भाषा में समझाते हैं। दरअसल भारत के दूरदराज गांव हों या पहाड़ी इलाके हों, पशुपालन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में सरकार ने गोबरधन योजना के तहत पशु अपशिष्ट यानी गोबर मूत्र, फसल अवशेष जैसे सूखे पत्ते, भूसा, खरपतवार और घरों से निकलने वाले ठोस कूड़े से ऊर्जा निर्माण का काम शुरू किया है। इस कचरे से बायोगैस का निर्माण किया जाएगा। गोबर धन योजना के अंतर्गत देश के हर जिले में एक गांव को चिन्हित किया जाएगा जहां एक क्लस्टर का निर्माण होगा। इस क्लस्टर में किसानों से गोबर और अन्य फसल अपशिष्ट खरीदे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य देश भर में ऐसे 700 क्लस्टर बनाने का है। आप सोच रहे होंगे कि बायोगैस निर्माण से किसानों को कमाई का अवसर कैसे मिलेगा? असल में बायोगैस प्लांट में गोबर और फसल अवशेषों को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और जैसा कि हर कारखाने में कच्चा माल खरीदकर उससे कुछ खास सामान बनाया जाता है, ठीक इसी तरह सरकार किसानों से कच्चे माल के तौर पर गोबर खरीदेगी और इससे ऊर्जा का निर्माण करेगी। इस तरह किसानों की आय में वृद्धि होगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही गोबर धन योजना की पहल की गई है ताकि गांवों को गंदगी के ढेरों से मुक्ति मिल सके, गांव स्वच्छ हो सके।
इतना ही नहीं, गोबर से जिस बायोगैस का निर्माण होगा उसका इस्तेमाल भी ग्रामीण अंचलों में खाना बनाने और रोशनी के लिए किया जाएगा। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना यानी गोबरधन योजना 2021 के तहत सरकार का लक्ष्य देश के कई जिलों में बायोगैस प्लांट बनाने का है, जहां गोबर से निकलने वाली मीथेन गैस को सीएनजी में तब्दील कर इसका उपयोग ईंधन और बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। इससे किसानों के साथ साथ छोटे उद्यमियों को भी लाभ होगा और देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, युवाओं के लिए नौकरियों के नए विकल्प खुलेंगे और भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हमारे किसान इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध की है, बशर्ते कि आवेदन करने वाला व्यक्ति गांव का निवासी होना चाहिए और वो पेशे से किसान होना चाहिए। इसके अलावा आप इस योजना से जुड़ने के लिए कुछ दस्तावेजों की मदद से पेयजल और स्वच्छता विभाग की सरकारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में आवेदक का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार 90% व 10% के अनुपात में फंड भी उपलब्ध कराएगी। ये कुछ चयनित स्थानों के बजाय सभी गांव और जिले पर लागू होता है। ये बायोगैस प्लांट व्यक्तिगत, सामुदायिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप या गौशाला जैसे एनजीओ के स्तर पर भी स्थापित किए जा सकते हैं। फिलहाल इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 115 जिलों का चयन किया है, जिनमें विभिन्न सामाजिक सेवाओं में निवेश किया जाएगा और उन्हें रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार की ये क्रांतिकारी योजना गांव के लोगों को आर्थिक आजादी की ओर ले जा रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, उनकी कमाई के रास्ते खोल रही है, उन्हें स्वच्छता भरा माहौल दे रही है। जो कचरा हमारे लिए गंदगी और बीमारी की वजह बना हुआ था, वो अब हमारी आर्थिक उन्नति का जरिया बनेगा। यानी गोबर अब किसानों के लिए सोना बनेगा, इससे उनकी आय बढ़ेगी और वो उन्नत बनेंगे। यानी वेस्ट से वेल्थ और वेस्ट से ऊर्जा हमें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएगी, हमारे घरों को रोशन करेगी। पशुधन व गोबर धन करेंगे उन्नत हर जन।